नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर से। सिंगरौली को सीएम शिवराज ने बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मंत्री मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने सिंगरौली में एक मेडिकल कॉलेज और कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 421 एकड़ जमीन प्रदेश के गरीबों को बांटी जा रही है और यही सामाजिक न्याय है। राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहा है। अब सरकार मेधावी बच्चों को पढ़ाने की फीस देगी जिनकी सालाना आय 8 लाख तक है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे भी फीस सरकार भरेगी और सीएम ने कहा कि अंग्रेजी लाद दो ताकि बड़े लोगों के बच्चे पढ़े और पदों पर हो। अंग्रेजी कोई योग्यता का प्रमाण नहीं है, योग्यता किसी भी भाषा में हो सकती है। मध्य प्रदेश ने तय किया है कि राज्य में उच्च शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में होगी। वहीं इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज 27,000 से अधिक परिवारों को सीएम ने भूमि आवंटित किया है। अगर सीएम गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते तो ये काम नहीं होता। नेताओं ने प्रलोभन देकर जनता का समर्थन हासिल किया, मगर बीजेपी को जो कहती है वही करती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत गरीब परिवारों को भूमि पट्टे बांटे। एक बेगत विकास प्राधिकरण की तरफ से ये डिमांड आई है कि बड़ी संख्या में बेगा भाई बहन है, उनको कई इलाकों में 1,000 रुपया महीना भाई साहब हम देते हैं बैगा बहनों को, भारिया सहरिया बहनों को, तो यहाँ के बैगा छूट गए हैं तो 1,000 रुपया महीना सभी बैगा बहनों को दिए जाएंगे हर महीना, ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी ठीक ढंग से चल सके। और एक मैं ये जरूर कहूंगा कि सीधी सिंगरौली रोड हम तकलीफ में है। एक ठेकेदार ने काम शुरू किया, नेशनल हाईवे बना रहा है, उसको जब ठीक काम नहीं किया तो उसका ठेका निरस्त कर दिया था। दूसरा बना रहा है, उसको भी टाइट किया जाएगा ताकि वो रोड ठीक गति से पूरा हो सके। चाहे हमारे प्रधानमंत्री चलाते हो, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चलाते हो, मैं देखता हूं हर योजना का केंद्र बिंदु यदि कोई होता है इस राज्य का अथवा देश का गरीब व्यक्ति होता है। गरीबों का कल्याण बहनों भाइयों, जहां हमारी यह प्रतिबद्धता है, गरीबों का कल्याण यह हमारी प्रेरणा है, गरीबों का कल्याण यह हम सबके जीवन का एक मंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी